आज से पहले 50 से 55 साल कांग्रेस ने राज किया, मैं 70 साल नहीं बोलता, ठीक है जी। 1947 से 1990 तक हमारी जो 1947 में छठे नंबर की अर्थव्यवस्था थी, 1947 से 1990 तक 12वें नंबर पे आ गई। कैसे आ गई? आप कहते हो राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था, अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए, IIM IIT चाहिए। आपके 1947 से टिल 2003 तक आपने कितने एम्स भारत को दिए? मात्र एक। कितनी ट्रेनें दी? शताब्दी 25। कितने आपने एक्सप्रेसवे बनाए बता दो। कितने IIT IIM ट्रिपल IIT बनाए बना दो। कितने मेडिकल कॉलेज बनाए बता दो। लेकिन 2014 के बाद हमारे को 2004 से 2009-2013 तक हमारे पास 6 एम्स थे, जिसके अंदर अटल जी ने उनका वो शिलान्यास किया था और मनमोहन सिंह की सरकार में वो बने। 16 एम्स मोदी सरकार ने दिए, 8 लाइन, 4 लाइन, 16 लाइन के एक्सप्रेस, 14 लाइन के एक्सप्रेस वे मोदी सरकार बनाती है। जीरो वंदे भारत थी 2014 से पहले, आज 41 से 44 वंदे भारत भारत को दी जाती है, ठीक है जी। आज हमारे देश के अंदर जो गरीबों से जुड़े मुद्दे थे जिनकी तरफ किसी सरकार का ध्यान नहीं था, चाहे वो शौचालय योजना, उद्यमी योजना, औषधि योजना हो, आवास योजना हो, स्वास्थ्य योजना हो, कृषि योजना हो, कृषि कल्याण योजना हो, कृषि सिंचाई योजना हो, मुद्रा योजना हो, सुकन्या योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, ऐसी तमाम योजनाएं सिर्फ 10 साल के अंदर मोदी सरकार लेकर के आती है, ठीक है जी। हमारे देश का अहम मुद्दा कश्मीर, जब भी वारदात होती थी UNO में जाकर के अटक जाता था, आज कश्मीर के मुद्दे को 2 मिनट में सोल्व करने का काम मोदी सरकार करती है। कश्मीर के अंदर इंसान पैदल नहीं चल सकता था, साइकिल पे चढ़ना छोड़ दो, आज जम्मू से कश्मीर तक ट्रेन चला दी जाती है। विश्व की सबसे बड़ा स्टैचू, सबसे बड़ा स्टेडियम, सबसे बड़ा टनल, सबसे बड़ा बाईपास, सबसे बड़ा आपका कहते हैं क्षेत्र, ये सड़क का क्षेत्र और राजमार्ग, जो हम चाइना को भी पछाड़ के आगे जा चुके हैं, वो सरकार मोदी सरकार करती है। आप बताओ आपके कार्यकाल में आपने देश के लिए क्या किया? 11वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था मोदी सरकार बनाती है, जर्मनी और जापान को पछाड़ के 2027 तक का टारगेट देती है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का। मोदी के कार्यकाल में सेंसेक्स और निफ्टी सब उछाल मारते हैं, आपके कार्यकाल में ये सब चीजें कहां थी? हर जगह, चाहे कोई राज्य हो, कोई पिक्चर हॉल हो, कोई ट्रेन हो, कोई ऐसी जगह जहां बम नहीं फटते थे, आज एक राज्य, एक रेल, एक होटल बता दो जहां बम फटाओ। हमारी सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज, हमारा शौर्य, वो गायब हो जाते हैं मोदी सरकार में। हमारा तिरंगा जलाया जाता था, आज गर्व से लाल चौक पे लहराया जा रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है एक आवाज उठा दे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाने वाले आज कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ मिलाने के लिए भाग रहे हैं, POK लेने तक की बात आज हमारा भारत देश करता है, अमित शाह करते हैं, और उसके अंदर 23 से 24 सीटें आरक्षित करते हैं, जो कल तक कहते थे चाहे सियाचिन हो, चाहे कच्छ हो, चाहे POK हो, वो हमारा मुद्दा नहीं है, दे दिया फोकट में। लेकिन आज अगर देश के अभिन्न अंगों को जोड़ने का काम अगर भाजपा सरकार कर रही है तो वो प्रशंसाजनक है। आज भारत का विश्व स्तर के ऊपर हमारी विदेश नीति अच्छा हो रही है, तो उसका भी जो प्रशंसा का कार्य है मोदी सरकार को जाता है। आप लोगों ने कहा था राम मंदिर बना तो जितने भी अरब देश है हमें तेल देना बंद कर देंगे, मोदी जी ने एक चमाटा और इनको मरवाया कि जहां राम जी का अस्तित्व था वहां पर आप राम जी का विरोध कर रहे थे, काल्पनिक बता रहे थे, आबू दुबई के अंदर राम मंदिर बन करके तैयार हुआ। आज कुवैत इस्लामिक कंट्री, वहां से हमारे 8 सैनिक फांसी की सजा रुकवा करके लाए गए, अभिनंदन जैसा शूरवीर 24 घंटे में भारत आया। आप ही के कार्य के अंदर 2 बार हम पाकिस्तान से युद्ध जीते थे, 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, लेकिन इंदिरा जी ने क्या किया? वापसी लौटा दिया। क्या वहां जो हमारे सैनिक थे वो वापसी लाने की हिम्मत थी इंदिरा गांधी जी में? थी तो क्यों नहीं आए? आज अभिनंदन जैसे एक शूरवीर के लिए वहां का नेता, वहां का मंत्री सांसद में खड़ा होकर के कहता है कि हमारे हाथ कांप रहे हैं, चेहरे पे पसीना आ रहा है, मोदी आर्मी भेज देगा, इसको हमें छोड़ना होगा। ये भारत का कोई मंत्री नहीं कह रहा, भारत का कोई युवा नहीं कह रहा, मोदी का कोई नेता नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का नेता कह रहा है। कम से कम उस पे तो विश्वास करो। और अभिनंदन आया, चाय पकौड़े खा करके आया कि भैया थोड़ा भी वेट कम ना हो इसका, नहीं तो पाकिस्तान की जमीन कम हो जाएगी। ये शौर्य है मोदी का, वो शेर है, अपने आप को लोग कहते हैं वो शेर है, वो शेर नहीं बब्बर शेर है, बब्बर शेर है बिल्कुल। आज आप बताओ, आज से पहले हमारे मनमोहन सिंह जी वेल एजुकेटेड, बहुत सम्मानित व्यक्ति है, लेकिन वो पीछे रहते थे। किस संविधान के तहत, किस कानून के तहत? जब बाहर से कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आता था तो सोनिया गांधी जी उनको अटेंड करती थी, और हमारा सम्मानित प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी पीछे खड़ा होता।
आता था। किसने राइट दिया? आज हमारा प्रधानमंत्री आंख से आंख मिला करके बात करता है। F-16 दिया था इन्होंने पाकिस्तान को अमेरिका ने, F-416 खरीद के दिखाया मोदी ने, और ये कहता रह गया मत खरीदो। उन्होंने कहा तूने हमारे दुश्मन को F-16 देते हुए सोचा था जो हम सोचेंगे। इसने कहा रूस से तेल मत लेना, उसने कहा तू बोलता रहे तेरी सुनते होंगे, और उसने रूस से रूबल में तेल खरीदा। आज ऑस्ट्रेलिया का पीएम अगर बोल रहा है मोदी इज अ बॉस, दूसरी कंट्री का पैर छू रहा है, ठीक है जी, पुतिन जैसे कह रहा है भारत को इतना बढ़िया प्रधानमंत्री मिला है जो कट्टावर फैसले लेता है, नहीं सुनता किसी की अपने देश के मामले में, तो आप उसकी प्रशंसा करो। कल तक आपके देश को जो ये बाइडन जैसे अमेरिका ना भिखारी कहता था, अनएजुकेटेड कंट्री कहता था, आज उसी के पढ़े लिखे सांसद एक ऑटोग्राफ के लिए ना तड़पते देखे हैं हमने। वो मान सम्मान जो बड़ा है भाई साहब हमारा बड़ा है, हमने मोदी को गद्दी पे बिठाया है, मोदी अपने आप नहीं बैठा। अगर कोई कह रहा है मोदी इज अ बॉस, सम्मान हमारा बढ़ रहा है। G20 के अंदर जितनी विदेशी महिलाएं आई ना मंत्रियों के साथ, सबको भारतीय संस्कृति साड़ी के अंदर देखा गया। जितने गावर समझते थे हम सुपर पावर है, सारे नंगे पैर चलते हुए हमने राजघाट पे देखे। ये पावर है मोदी की, भारतीय संस्कृति सबसे पहले है मेरे लिए। उसने जब अपना घर छोड़ा ना, वो चाहता वो भी बाप के पैसों पे ऐश कर सकते थे, वो भी घर में आराम से सो सकते थे।